हेलो एवरीवन, सारे भाइयों ने राम राम, बड़े बुड्ढे ने राम राम, और बिहार में कहते हैं प्रणाम। तो मेरे पीछे पेड़ पौधे देख रहे हो आप, तो आपको क्या लग रहा है मैं कहाँ हूँ? तो दोस्तों, जैसे मैं थंबनेल में दिया हुआ है कि मैं सहरसा के अभी एक पार्क में, अभी जो 22 तारीख को उद्घाटन हुआ है, 22 सितंबर, और प्रकाश जय प्रकाश उद्यान नाम है इस पार्क का। तो कौन कहता है कि अब बिहार जो है बैकवर्ड है, पिछड़ा है, और यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डेवलपमेंट है। ये एंट्रेंस में दिखा देता हूँ पहले आपको कि कहाँ से एंट्री है। ये एंट्री गेट है। ये एंट्री गेट है, और यहाँ दिखा दूँ मैं, यहाँ के आज संडे है, जैसे कि आज 27 सितंबर है, और आज एक छोटा सा स्पेशल डे है मेरे लिए, वो आगे मैं बताऊँगा क्यों है। ये देख रहे हो, ये तो दोस्तों, जैसे मैं अभी यहाँ पार्क में हूँ, तो संडे है, काफ़ी मज़ा लिया जा रहा है बच्चों का, और छुट्टी का संडे है, और लॉकडाउन के बाद फिर एक बच्चों में चहल पहल है, खुशी है। दिखाता हूँ मैं आपको पास से दिखाता हूँ। जी हाँ, ये सहरसा में पार्क है, जय प्रकाश उद्यान। अब देख लो, नया डेवलपमेंट, नया अपग्रेड, कैसे मौज मस्ती चल रही है। कुछ लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन भी करने आते हैं, और कुछ टाइम पास भी करने आते हैं, जैसे कपल्स। बच्चे तो अपने मौज मस्ती, बच्चे तो मौज मस्ती, पूरा मौज मस्ती कर रहे हैं। तो बच्चों की टिकट है 2 रुपये की, 5 रुपये की, और अडल्ट की है 10 रुपये की पर हेड। और बोर्ड दिखा देता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है, 3 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों का मनोरंजन स्थल। और ये झूले पे देख लो, बच्चे पूरा मजे ले रहे हैं। जी हम सहरसा में स्थित पार्क प्रकाश जय प्रकाश उद्यान डीएम है यहाँ के। तो इसका जो मतलब प्रवेश शुल्क है, वो उसका कारण तो नहीं पता, बट देख लो, आप देख सकते हो कपल जा रहे हैं। तो एक नया अपडेट हो सकता है, मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी तो चेंज है, जैसे गांव देहात में लोगों की मेंटेलिटी है वो तो चेंज है, बट अब देखते हैं क्या है, यहाँ पे रहने के बाद ही पता चलता है। ये देखो, ये वाला, बच्चों में खुशी की लहर है, नया अभी अपडेट हुआ है, ये चल रहे है। तो मेरे ख्याल से जैसे अभी अपडेट हुआ है, उसके बाद जो है ये व्यवस्था बनी रहेगी, या फिर थोड़ी सी ये पानी की समस्या है, ये आई होप सो ठीक हो जानी चाहिए। बाकी और मैं आगे दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे तो सही है, ठीक है, सूखा हुआ है, बट ये जो बच्चे हैं, ये देख रहे हैं अब नीचे पानी है, फिर भी बच्चे हैं, मौज मस्ती में पूरे लीन है, मज़े ले रहे हैं।
यहाँ पे दोस्तों एक डांस ग्रुप मिला है और उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, देख लेना अभी। तो डांस ग्रुप भी है, चल रहा है, सबका एंजॉय चल रहा है। संडे है, टुडे इज संडे, संडे इज हॉलीडे, रेस्ट डे। ये डांस ग्रुप है, ईच एंड ईच। आगे वो देख रहे हो, टॉयलेट लेडीज एंड जेंट्स पीछे में है। सब अपनी मौज मस्ती में संडे मनाते हुए चल रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन भी चलता है यहाँ, बैलून। तो दोस्तों नई जगह देख के और बिहार में ऐसा डेवलपमेंट देख के बहुत दिल खुश होता है कि कहाँ से ये पहले भी होता। हाँ, नई नई चीज़ देख के नए लोग, कुछ लोगों की मेंटेलिटी चेंज होगी और कुछ बदलाव आएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो एटीट्यूड है वो एक जगह रुक गया है, ठहर गया है, उसमें अपडेट चाहिए। अपडेट तो कैसे होगा, जो बच्चे बाहर रह के पढ़ चुके हैं, रह चुके हैं, उनमें तो मतलब वो मैंने बदलाव देखा है, बट जो पुराने लोग हैं एक मतलब मैं चीज़ है और कुछ बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते। तो इस कारण जो मतलब बहुत सी प्रॉब्लम होती है यंगस्टर के लिए, जो बाहर रह चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं और जो मतलब बाहर स्टे कर चुके हैं, तो उनके लिए एक एनवायरनमेंट चेंज होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि अपडेट वर्जन, खैर खास कुछ बोलूँगा नहीं, तो आने वाले सेशन में, अगली वीडियो में या जब भी मेरा मन करेगा। तो मैं अंदर से थोड़ा परेशान सा हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, और हाँ व्यूज़ तो ठीक है, बट कमेंट्स वगैरह, लाइक वगैरह नहीं आ रहे, पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक ज़रूर करना।